सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान ने पत्थर को पूजना पसंद किया, पर इंद्र को पूजना पसंद नहीं किया। जिनमें अभिमान आ जाए ऐसे देवताओं को सच में कभी नहीं पूजना चाहिए, क्योंकि जिनमें खुद मत्सर भरा हुआ है वो तुम्हारा कल्याण कैसे करेंगे महाराज। इसीलिए सरल स्वभाव, सम्य स्वभाव चाहिए, उनकी पूजा हट हट के करो, रोज करो, दिन भर दिन करो। पर जो अभिमान से भरे हैं उनकी पूजा करना उचित नहीं है। भागवत में भगवान स्वयं ऐसा नंद जी को समझा रहे हैं। गोवर्धन की पूजा से क्या मिलेगा, पूछा नंद जी ने, तो भगवान कहने लगे जो भी कुछ मिल रहा है वो गोवर्धन की पूजा से ही तो मिल रहा है। अरे बादल पानी बरसाते वो कहां होता जमा, धरती पे। धरती में अनाज डालते हैं वो कहां पैदा होता है, धरती पे। गाय कहां बैठती है, धरती पे। कहां मूतती है, धरती पे। गोबर कहां करती है, धरती पे। विश्राम कहां करती है, धरती पे। इसीलिए गोवर्धन का दूसरा नाम है धरती माता। दूसरा नाम क्या है गोवर्धन का, धरती माता। धरती माता गौ, गौ माने इंद्री। गौवर्धनम वर्धितम यस्य प्रत्यायाम है प्राणो रक्षिता स गौ। सब भगवान की ये पत्नियां हैं, गौ माने इंद्रियां, आंख नाक कान मुंह बुद्धि, ये सब भगवान की गोपियां हैं जो भगवान को प्यार करती हैं और भगवान इनको अच्छा चाहते हैं, भगवान इनका कल्याण चाहते हैं। आंख कान ना, ये इंद्रियों का, गोपियों का, ग्वालों का, गौओं का। इसीलिए भगवान ने निश्चय किया कि बिना पृथ्वी की पूजा के कैसे भी पृथ्वी के दोष नहीं मिटेंगे महाराज, क्योंकि भगवान ने गाय और पृथ्वी दोनों के लिए ही तो अवतार लिया है, और इनका ही सम्मान भगवान अगर नहीं कर पाए तो फिर क्या मतलब अवतार लेने का, फिर गाय और पृथ्वी दोनों ही तो गई भगवान को मनाने। जिसने भी बुलाया है उसका कल्याण तो जरूर ही करना रहता है महाराज। मुझे भी, मुझे जिन्होंने बुलाया है उनका हित तो मैं ज्यादा ही चाहूंगा। जिन्होंने मुझे बुलाया नहीं है, आप मेरे आने के बाद आप आ रहे हैं कथा सुनने, आपका भी हित चाहूंगा, पर पहली प्रायोरिटी उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने मुझे बुलाया है। तो वो कौन है, पृथ्वी और गौ माता है। जिसे भगवान को बुलाया है तो भगवान ने आज उनका ध्यान किया तो उनकी सेवा के लिए घर छोड़ दिया। धरती माता का मान बढ़ाने के लिए देवताओं में इंद्र के सम्मान को छोड़ दिया। देवता राजाओं का राजा है इंद्र, पृथ्वी का भी राजा है इंद्र, पर आज भगवान ने पृथ्वी को महान करना है तो भगवान गोवर्धन पर्वत की पूजा का विधान करते हैं। कैसे होगी पूजा, क्या लगता है पूजा में, तब भगवान ने सामग्री लिखी महाराज। पंचामृतम द्रव्य गम्य भूतम यच्चम प्रयात्मनम सखाम प्रदक्षिणाम दक्षिणाम धनम धान्यम प्रयुक्तम प्रयात विधीनाम। मेरे परमात्मा कहते हैं कि पंच गर्भ्य पच्य द्रव्य धन धान्य दक्षिणा अन्न जो भी है वो सब भगवान के चरणों में अर्पण करना पड़ता है और एक दिन का व्रत करना पड़ता है। दूध दही यमुना जल सबके अभिषेक किए जा रहे महाराज। 56 प्रकार के अनाज के, अन्नकूट के लड्डू बनाए गए भगवान को भोग चढ़ाने के लिए। सुबह से शाम तक पूजा चल रही है, अभिषेक चल रहा है। शाम को सूर्यास्त होगा जब पूजन होगा, भोग लगेगा और तब ही सारा ब्रज बाद में प्रसाद ग्रहण करेगा, ऐसा सबने ब्रजवासियों ने व्रत लिया है अनुष्ठान में। भगवान को खिला के ही खाएंगे महाराज। इंद्र की पूजा नहीं हुई, अपमान हुआ, ये इंद्र को पता चल गया। किसने कहा, नारद जी ने। तत्काल इंद्र कृपित हो गया, क्रोधित हो गया, मेघ बादलों को बुला के ब्रज के ऊपर वर्षा करवा दी, गुस्से वाली वर्षा। अच्छा एक वर्षा होती है प्यार वाली, प्यार वाली जो वर्षा होती है उसके लिए सब लोग तैयार रहते पहले से। अरे बारिश आने वाली है, बादल हो रहे हैं, छत पे से दाल उतार लाओ, मिर्ची सूख रही है मिर्च, ये प्यार वाली है। अच्छा गुस्से वाली कौन सी होती है,
गुस्से वाली ये होती है, न बादल है न कुछ है न कुछ है, और एकदम अंधाधुंध धड़ाम धुड़ूम धुड़ूम धड़ाम गड़बड़ हो गई। बचने तक का मार्ग नहीं मिला किसी को। घर बह गए, खेत खलियान बह गए, बछड़े बह रहे, गाय बह रही, सब चिल्ला रहे कृष्ण 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 कृष्ण। अरे बचाओ कृष्ण, बचाओ। आज भगवान कृष्ण और भगवान के देवता उस पर्वत गोवर्धन की दोनों की परीक्षा है महाराज। आपतकाल परखिए चारी, आफत आ जाए तब परीक्षा अच्छी होती है। भगवान ने गोवर्धन से कहा कि आज तुम्हारी महिमा बढ़ाओ। भगवान के सामने समर्पित हो गया गोवर्धन, कहा प्रभु मैं तो मिट्टी हूं पत्थर हूं, मेरी क्या महिमा बढ़ेगी? परमात्मा आप चाहेंगे उसकी महिमा बढ़ेगी, मैं कैसे महिमा बढ़ाऊं? आप ही हैं जो राही को पर्वत करते हैं, पर्वत को राही करते हैं। प्रभु आपकी इच्छा के बगैर पत्ता क्या तिनका भी नहीं हिलता, कृपा आप करो। तभी भगवान ने कृपा कर दी, गोवर्धन समर्पित हो गए। भगवान ने गोवर्धन को पूरे ब्रज की बराबर विशाल कर दिया, बड़ा कर दिया। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करत सब कोई। सारे ब्रजवासियों को प्रभु ने यूं ही झूठ मूठ को बुलाया और कहा उठाओ 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 और इसके नीचे सारे ब्रज को बुलाओ। उठता नहीं गोवर्धन। भगवान से कहा प्रभु जब तक आप नहीं हाथ लगाएंगे मैं नहीं उठूंगा, मुझे आपका गौरव चाहिए, मुझे आपका स्पर्श चाहिए, क्योंकि आपके स्पर्श से ही मेरे जन्म जन्मांतर तक के पाप छूट जाएंगे। धरस परस मुख मंजन पाना मिटई कलेश यह वेद बखाना। भगवान ने जैसे स्पर्श किया 84 किलोमीटर में फैला हुआ पर्वत गुलाब के फूल की तरह हल्का हो गया। भगवान ने छोटी सी उंगली को स्पर्श कर लिया और अपने आप ही गिरदारी उठते चले गए। जैसे ही गिरवर को भगवान गोविंद ने उठाया उसी समय जय जयकार होने लगी। बोलिए गिरधारी लाल की जय, गिरवर भगवान की जय जयकार हो रही है। बरसात थक गई, बादल खाली हो गए, लौट के चले गए इंद्र के पास में और सब कथा बताई। महाराज इंद्रदेव आप क्या बात कर रहे हो, वो बालक नहीं है, वो कोई अद्भुत देवता है। इतने में ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा ने इंद्र को कहा अरे वो साक्षात नारायण है, मेरा भी भ्रम हो गया था ऐसा, अरे मैंने भी उनको इसी परीक्षा में देखा। जाओ तुमने गलती कर दी इंद्र, क्षमा मांग लो नहीं तो तुम्हारा स्वर्ग जाएगा, भगवान तुम्हें माफ नहीं कर सकते। अरे तुमने भगवान स्वरूप ब्रज के ऊपर आतंक मचाया है, अरे किसी भी दुनिया में किसी भी कोने में तूफान आंधी बाढ़ आवे पर ब्रज में बाढ़ आवे तो ये दोष भगवान को लगता है, क्योंकि पूरा ब्रज भगवान का ही स्वरूप है, तुमने गलती कर दी, जाओ। इंद्रदेव ब्रज में पधारे, गोवर्धन की तलहटी में भगवान के चरण पकड़ लिए, माफ कर दो देव गलती हो गई, आपको पहचानने में भूल हो गई प्रभु। दुनिया भूल करती है, इंद्र से क्या भूल हुई, इंसान के रूप में आदमी भगवान कैसे माने किसी को, भूल ये है, पर इंसान के रूप में ही भगवान होता है यह भी सच्चाई है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कहीं न कहीं ये प्रस्तुत हो जाएगा कि यही भगवान है जो कृष्ण है। समय आने पर ये परीक्षाएं होती है महाराज। भगवान के सिवाय कौन मदद करे तुम्हारे संसार में है? पर विश्वास दृढ़ होना। पूरे ब्रजवासी समर्पित हो गए, सारी गैया मैया सब बचा ली भगवान ने, छत्र तान दिया पर्वत का, सारे के पागल थक गए। भगवान ने इंद्र को माफ तो कर दिया पर भगवान ने इंद्र को सजा भी दी, प्रायश्चित करने का अवसर दिया। मां संगति भूतश्च, जिस मास में इंद्र तुम्हारी पूजा होती थी अब तुम्हारी पूजा नहीं होगी,
तो भी तुम्हें पूजा का फल सारे संसार को मुफ्त में देना पड़ेगा, तब ही तुम्हारा ब्रज पर पानी बरसाने का पाप धुलेगा। इसी वजह से इंद्र जो है समुद्र के खारे पानी को मीठा करके 4 महीने धरती लोक पे बरसाता है, कभी यहां कभी अमेरिका कभी कहां, उसकी यही ड्यूटी है खारे पानी को मीठा करना और दुनिया को पिलाना, सबको पिलाना। अभी तक उसके पाप नहीं धुले, इसीलिए उसने मीठे पानी की प्याऊ खोल रखी है, पर अब वो कटौती कर रहा है, लगता है भगवान फिर आएंगे गोवर्धन पूजा करने। जब तक गौ रक्षा नहीं होगी तब तक भर भर झोली प्यार नहीं मिलेगा देवताओं का। समझ की बात है, अब आपको नहीं समझे तो अलग बात है।